स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन और रोज की तरह आज भी आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। तो शुरू करेंगे, पहले हेडलाइन देखते हैं। पहला है यूपी पुलिस भर्ती 2023। दोस्तों एक बड़ा वैकेंसी आने वाला है और कैसे, इसमें क्या कब आने वाला है और कितना है क्या है सब बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, ओल्ड पेंशन के बारे में है दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सरकार का बड़ा फैसला, क्या फैसला है, कैसे आया है, इसके बारे में जानेंगे। और एक लेनोवो का 5G एंड्रॉइड टैबलेट है, इसके बारे में जानेंगे। शुरू करेंगे यूपी पुलिस भर्ती से दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाइए दोस्तों। यूपी पुलिस में आखिरकार 37,000 पदों पर वैकेंसी, कांस्टेबल और फायरमैन की भी होगी भर्ती। तो दोस्तों क्या है ये न्यूज, अगर इसमें नोटिस जारी किया गया है दोस्तों, आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आप चेक कर पाएंगे। और एक बड़ा भर्ती आने वाला है दोस्तों यूपी पुलिस में, भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए आखिरकार गुड न्यूज मिल गई। यूपी पुलिस पुलिस के कांस्टेबल के अलावा फॉरमैन के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगर आप आधिकारिक नोटिस चेक करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दिया गया है दोस्तों, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस पे जाके चेक कीजिए। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी दोस्तों, और अभी ये नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा, आप लोग चेक करते रहिए। इन पदों के लिए जरूरी पूरी शर्त करने वाले उम्मीदवार के लिए उत्तर प्रदेश भर्ती एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से आधिकारिक वेबसाइट की मदद से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि अभी जो अपडेट जारी किया गया है इसमें तारीख से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। कैंडिडेट्स ज़्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो वेबसाइट चेक करते रहिए, जल्द ही ये वैकेंसी हो जाएगी अनाउंस। और इसमें 12वीं पास होना चाहिए और उसके बाद 18 साल से 27 साल अपनी उम्र होनी चाहिए। और बाकी जो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारी क्राइटेरिया तो पता ही होता है दोस्तों। ये सिर्फ यूपी के लिए ही बड़ा खबर नहीं है, अगल बगल के जो स्टेट हैं जैसे बिहार है, झारखंड है और मध्य प्रदेश है, यहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और काफ़ी लोग करते भी हैं। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वेबसाइट है, इसको आप चेक कीजिए और सारी जानकारी लीजिए। यहाँ नोटिस जारी किया गया है, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी चीज़ें जब आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को सबसे पहले अपडेट करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अगला है ओल्ड पेंशन पर सरकार का बड़ा फैसला, आज से इन लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा, जारी हुआ नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये सरकार का फैसला तो नहीं है, पर अब सरकार इसको बनाना चाहती है तो अलग बात है। देश में इस समय पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इस बहस के बीच सरकार ने कुछ लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि सरकारी सेवाओं में काम करने वाले कुछ लोगों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS को बहाल करने का फैसला लिया है। पर दोस्तों यहाँ बात आती सरकार ने नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको वीटो करके और बोला है कि CRPF को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाना है और आपको उसको ओल्ड पेंशन देना ही है, पुराना पेंशन आपको देना ही पड़ेगा। तो सरकार इसमें बस अपनी भागीदारी को पेश कर रहा है। वैसे तो ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट को धन्यवाद करना चाहिए। दिल्ली के हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने बताया कि यह सशस्त्र बल जिनकी वजह से इन लोगों को OPS का फायदा मिलेगा इस योजना के पात्र हैं। कोर्ट इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिक को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा फैसला है, जो पूर्व सैनिक हैं उनको भी मिलेगा। कोई भी हो भर्ती, हमेशा पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा खबर है इन लोगों के लिए, CAPF का जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए। तो अब मेरा मानना है कि जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं सब ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि एक सोशल सिक्योरिटी का मामला है और इंडिया में सोशल सिक्योरिटी के मामले में इंडिया बहुत पीछे है, क्योंकि टैक्स पेयर को बूढ़े होने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है इंडिया में। तो कम से कम पुरानी पेंशन को बहाल किया ही जाना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इस पर कुछ और जानकारी होगा तो जरूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। लास्ट में है दोस्तों, लेनोवो का 5G एंड्रॉइड टैबलेट लॉन्च हुआ है। अभी 5G धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे शहर में आ चुका है, बड़े बड़े में, और धीरे धीरे अब मार्च तक तो ये पूरे देश में एक तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेनोवो का है ये टैब है P11,
5G की शुरुआती कीमत 30,000 के करीब करीब है। जानिए फीचर क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों ये अमेरिका की कंपनी है लेनोवो। इसमें क्या क्या होने वाला है तो आप देखेंगे। इसमें 5G तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद 128 GB का स्टोरेज होगा दोस्तों इसमें। वहीं इसकी बात करें तो 256 GB का भी स्टोरेज का दो वेरिएंट है इसमें, एक का 29 और एक का 35,000 के करीब करीब है। यह टैबलेट अमेजन के ऑफिशियल वेबसाइट और लेनोवो स्टोर से खरीदा जा सकेगा। उसके बाद बात करें तो इसमें पैड 5 भी है एक रियलमी का, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं अभी, बात कर रहे हैं लेनोवो का। अगर इसकी और बात करें तो 11 इंच का ये टैबलेट होगा दोस्तों। एक बड़ा सा स्क्रीन होगा, ये आप समझ सकते हैं कि मिनी लैपटॉप ही होने वाला है। और एंड्रॉयड 11 पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा इसका। और उसके बाद इसमें बात करें तो 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा होगा फ्रंट वाला, और 13 मेगापिक्सल का रियर से कैमरा होगा इसमें। और 7700 mAh की बड़ी बैटरी दिया जाना है। 20 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। ये मिड रेंज का अच्छा टैबलेट है, जो कि आपको 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में दो वेरिएंट मिलेगा। तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिलेगा 5G को जो टैबलेट के शौकीन है। तो आप लोग अगर ये बुक करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अमेजोन पे भी आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।